नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। आज हम बनाएंगे समोसा रोल। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे एक बोल, इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच घी, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, अब डालेंगे थोड़ा अजवाइन। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है, देखिए जब इस तरह से बंधने लगे इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे गूंद लेंगे। हमने इसे गूंद लिया है, अब इसे हम ढक के रख देंगे। अब हम समोसे का स्टफिंग तैयार करें, उसके लिए हम लेंगे उबला हुआ आलू। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे, आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, धनिया पत्ता। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर देने से हमारा आलू तेल में नहीं फैलेगा। अब ये मिक्स हो चुका है, अब ये भी अच्छे से फूल चुका है। इसे थोड़ा और गूंद लेंगे। अब इसे 3 पार्ट में बांट लेंगे। अब इसे बेल लेंगे, इसे हमें थोड़ा बड़ा ही बेलना है। अब इसके बीच में एक छोटा कटोरी रखेंगे, इसके साथ में हमें स्टफिंग लगाएंगे। ये अच्छे से लग चुका है, अब इसे हटा देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। हमने इसे कट कर लिया है, अब इसके बीच में पानी लगा देंगे। इस तरह से हम साइड से घिंच लेंगे, फिर रोल करें। इसके साइड को ऐसे चिपका देंगे ताकि ये उखरे ना। ऐसा ही हम सबको रोल कर लेंगे। ये हमने सारा बना लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। तेल हमें मीडियम हीट ही रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसे हमें लो ही फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देना है। ये आप पक चुका है, इसे निकाल लेंगे। लो जी, तैयार है आलू समोसा रोल। तो कैसा लगा खाके कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।